खतरों के खिलाड़ी। खतरा खतरा सह के खतरा स्टंट करते हम पूरे, कतरा कतरा खून का देते फिर भी बनते हम बुरे। रोहित सर का क्या है वो तो ट्विस्ट लेकर आते हैं, चैलेंजेस क्या कम थे जो खुद चैलेंजर बन जाते हैं। ओह बोलेगा या ओह बोलेगा साला। खतरों के इस सीजन में अब डर का बढ़ेगा पारा। लेफ्ट से खतरा राइट से खतरा बच के कहा जाएगा, कितना भी तू भाग ले खतरे से ना तू बच पाएगा। खतरा चाहे कहीं से आए स्टंट करते जाना है, रोहित सर को हरा के सारे स्टार्स हमको पाना है। कैंपिंग के लिए बेस्ट प्लेस है पहलगाम से आगे, पहलगाम अरू वैली बेताब वैली अरू वैली के रास्ते में है। आप लोग कहाँ से हो? कश्मीर से ही। ईद मना रहे हो? हैप्पी ईद, ईद मुबारक। सलाम सलाम। तो आप कब आए? कल रात को इधर रहे, आज भी इधर ही रहना है? ये टेंट में कितने लोग रहते हैं? चार। खाना खुद बनाते हैं? वेरी गुड वेरी गुड। अमृतसर से? किसी ने त्रिपाल से टेंट बना, वो यहाँ पे कैंपिंग के लिए। आप लोग कैंपिंग कर रहे हो? गुड। कहाँ से आप? गुरुग्राम और कुलगाम। कुलगाम कुलगाम। ओके ओके। फनी सरदारजी पायलट। फनी सरदारजी पायलट। फनी ये देखो कैंपिंग के लिए, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर कैंपिंग। तो चुन के देखते हैं जहाँ थोड़ा प्लेन एरिया हो, खाने पीने का इंतजाम सब कर रखा है इन्होंने। कहते हैं कैंपिंग नदी के किनारे की करनी चाहिए ताकि वह पानी मिल जाए। ये देखो सभी कैंपिंग वाले। पहलगाम असी आए हैं, साढ़े दोस्त मुदस्सर भाई ने, यूसुफ भाई ने, यूसुफ मीर शोपियान तो उन्होंने सारी गड्डी अरेंज कराई। दस दिन का साढ़ा वैली का विजिट है, टूर है, ट्रिप है। तो दस दिन वास्ते असी गड्डी हायर की पहलगाम आके। इतने टैक्सी यूनियन है, सो तुहानू दस दिए तुसी श्रीनगर तो अपनी गड्डी तो आते हो, अगे शायद पता नहीं प्राइवेट गड्डी जाती कि नहीं जाती, कह नहीं सकते वो, फिर मैं तुहानू दसांगा। प्राइवेट गाड़ी जा सकती, प्राइवेट गड्डी जाती है, पर जी टैक्सी है दूजे स्टैंड की वो नहीं जाएगी। टैक्सी यूनियन है, सिस्टम है, सानू सिस्टम नू फॉलो करना चाहिए। छोटी छोटी गल देखो, हर एक का रिजक है, रोजी रोटी है, सिस्टम ना चलना पैंदा। सो इतों पहलगाम तो तुसी चंदनवाड़ी अरू वैली बेताब वैली जेकर जाना है, टैक्सी फैसिलिटी है इत्थे। इत्थे तुहानू अलग अलग तरह की वड्डी गड्डी, टैंपो ट्रैवलर, सूमो, जिनी तुहाडी सवारियां है उस हिसाब नाल, ओमनी वैन, इको वैन, जेकर तुसी वैन च सफ़र करना चाहो कार मिलेगी, सारे अलग अलग रेट्स ने। सो इत्थे मैं रिक्वेस्ट करांगा, आपां बहस नहीं करनी, लड़ना नहीं, सिस्टम नाल चलना है। टैक्सी यूनियन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो सिस्टम है उन्होंने फॉलो करना। असी भी गड्डी लैके आए सी, मुदस्सर भाई साढ़े नाल है, सब वैली घूमे के तो दिक्कत नहीं सी, लेकिन पहलगाम आके टैक्सी यूनियन है। अगे कितें भी तुसी वैली घूमन जाना तो टैक्सी तुहानू हायर करनी पैनी है। सो इस करके असी भी टैक्सी हायर की अलग तो,
टैक्सी से जा रहे हैं बेताब वैली ते अरू वैली पहुंच के, जो बहुत खूबसूरत वादियां ने नदी दे किनारे, वो तुम दिखावांगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। मैं थोड़ा पायलट सिंह, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, ये साढ़े मुदस्सर भाई है, साढ़े पायलट ने, गाइड ने सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। साड़ी पैकिंग होगी, ये पहलगाम है। बाय बाय पहलगाम, बैक टू बेस श्रीनगर। गुड गुड मुदस्सर, वेरी गुड। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। कोई भी हो हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता, कोई भी हो हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता, बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। कभी दामन छुड़ाना हो तो मुश्किल हो, प्यार के रिश्ते टूटे तो, प्यार के रास्ते छूटे तो, रास्ते में फिर वफाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला था, पहलगाम की जस्ट एंट्री पे न्यू पंजाबी रसोई ढाबा है, बा कमाल है। और बात तो ये है, खाना तो सब जगह खाते हैं, लेकिन किसी मुकाम पे, किसी खास जगह पे बैठ के खाना, उसका मज़ा ही अलग है। अभी यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, और अगर बारिश ना हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल लिए लिदर नदी के किनारे, इन्होंने अरेंजमेंट रखा, बैठ के खा सकते हो यहाँ पे। चीप एंड बेस्ट खाना है, बिल्कुल पंजाबी टाइप खाना है, जो नॉर्थ वाले खाते हैं वैसा ही खाना इनके पास है। और अगर धूप हो, दिन हो, तो यहाँ पे इसके नीचे बैठ सकते हो, यहाँ पे छुट्टी लगा रखी है। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, और ये है न्यू पंजाबी रसोई रेस्टोरेंट नियर राफ्टिंग पॉइंट, आप ये नोट कर सकते हो। सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देखो जो नॉर्थ वाले पंजाबी टाइप खाना खाना चाहते हैं वो यहाँ पे हैं। और इसका आपको मेन्यू दिखाता हूँ, वो भी कम है, वो भी सब कुछ लाई है, वो भी है।
गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत बात चाहिए।